डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और डिफरेंशियल इक्वेशन आज का चैप्टर है और डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 बुक है आपकी एनसीईआरटी। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y के वेरिएबल्स dy की तरफ होंगे, x के वेरिएबल dx की तरफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, इट इज सिमिलर टू अदर इक्वेशंस। दूसरी जैसी इक्वेशंस होती वैसी ये भी एक इक्वेशन है, पर इस इक्वेशन में एक्स होगा, वाई होगा और उनके डेरिवेटिव्स होंगे, तो वो इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। ट्वेल्थ क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ही कोर्स में है, जिसमें डिफरेंशिएशन में dy बाई dx में x जो इसका डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होने का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ हो, एक से ज़्यादा बार वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे कोर्स में ट्वेल्थ क्लास में नहीं है। तो फिर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये लिखा होगा dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square, तो आप समझ सकते हैं कि इसको इधर भेज दूं और उसको अगर उधर भेज दूं, तो सच अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, y की चीज़ें y की तरफ, x की चीज़ें x की तरफ। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? एंड देन वी शैल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, फर्स्ट आप समझ गए होंगे कि इट शुड बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर एक होगा। दूसरी बात है कि y की वैल्यू y dy की तरफ, x की वैल्यू dx की तरफ। और दूसरी बात है कि dy और dx कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जब वेरिएबल सेपरेट होंगे तो दोनों न्यूमरेटर में हो सकते हैं, दोनों डिनोमिनेटर में नहीं रखने हैं। और अब इसके आगे समझते हैं, जब इस तरीके का आ जाता है देन वी यूज टू डू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो अब हम दोनों साइड उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारी बुक में पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हम अपनी शुरुआत करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू कैन सी दैट कि इसमें y की टर्म इस साइड नहीं है, तो नो इश्यू एट ऑल। आप dx को उधर भेज दें और 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x टाइम बचाते हुए इसको लिख दें 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx, और इधर आ जाएगा आपके पास dy। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड, वेरिएबल्स दोनों तरफ के सेपरेट हो गए। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर दें। तो dy का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, dy का इंटीग्रेशन होता है y, तो ये आ जाएगा आपके पास y, ये हो गया आपके पास tan square x by 2 dx। तो tan square x by 2 को आप मालूम है आपको क्या लिख सकते हो, आप यू कैन राइट sec square x by 2 माइनस 1 और dx, sec square x by 2 माइनस 1 dx। sec square x by 2 का इंटीग्रल क्या होगा? इट्स इंटीग्रल विल बी tan ऑफ x by 2 अपॉन कोफिशियंट ऑफ x विच इज 1 by 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इज व्हाट, x प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। अब दो बातें हैं, आप दोनों तरफ इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स लगा सकते थे। एक तरफ मान लीजिए आपने c1 लगाया
दूसरी तरफ आपने क्या लगा दिया, सी टू। अब सी वन को उधर भेज दिया तो सी टू माइनस सी वन विल बी वॉट, सी टू माइनस सी वन विल बी अनदर कॉन्स्टेंट। तो आप उसकी जगह एक ही कॉन्स्टेंट लगा दें। और ये ध्यान से सुने, ये वाला जो आंसर आया है आपका इंटीग्रेशन का, इसे भी मैं लिख देता हूँ तो आपको और कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि ये सल्यूशन कैसे आया आपके पास। आप ध्यान से सुने, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल, ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज ए प्लस सी। इसमें आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का को में क्या किया, क्या है आपका एक्स का कोफिशियंट, एक्स बाय टू को आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो एक्स बाय टू मीन्स एक्स का कोफिशियंट कौन है, वन बाय टू। तो वो इस तरीके से आएगा वन अपॉन टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। अब जो क्वेश्चन था आपका, उसमें अगर आप ये वाला मेथड नहीं लगाना चाहते, हाफ एंगल फार्मूला नहीं लगाना चाहते, तो भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। किस तरीके से, वो मैं आपको एक बात हिंट दे देता हूँ कि आप उसको रैशनलाइज कर देते। अगर आप इसी चीज़ को दोनों साइड इंटीग्रेशन के दौरान इस वाली साइड को रैशनलाइज कर देते तो ये आपके पास नीचे हो जाता साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ऊपर हो जाता वन माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। मैं उसको ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और सेपरेट कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉट एक्स कोसेक एक्स। ये मैंने वो स्टेप लिखी है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी स्टेप लिखी हुई है मैंने। तो ये इसका जो ओपन करने के बाद का स्टेप है वो लिखा हुआ है। क्या है वो ओपन करने के बाद का स्टेप, ध्यान से सुनिए। वो स्टेप है आपके पास, जब आप इसको ऐसा लिख देंगे वन माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये। फिर आप इसको ओपन करके सेपरेट करेंगे तब ये आपके पास आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर से कॉट स्क्वायर, उसको भी आप लिख सकेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और दूसरी और आखिरी टर्म होगी माइनस टू कॉस एक्स अपॉन दिस साइन स्क्वायर एक्स, उसको लिख सकेंगे माइनस टू कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से इन दिस वे यू कैन इंटीग्रेट, इसका सोल्यूशन दूसरा तरीका का निकल सकता है प्लस सी। ये वाला जो यूज़ किया हमने ये ईजिएस्ट फॉर्म है इसका। लेट्स कम टू द सेकेंड नाउ, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप समझ सकते हो कि फोर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ आएगा, तो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें डी वाई के अपॉन में आएगा रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर। समय बचाते हुए इसको लिख दिया टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इधर दोनों साइड अब इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स वाई अपॉन टू, इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। दोनों तरफ नहीं लगाना है, साइन को उधर भी ले जा सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई बाय टू इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी, और टू को भी आप उधर भेज सकते हैं ताकि अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में से किसी ऑप्शन से आपका ये आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो थोड़ा सा आंसर में हमको हल्का फुल्का चेंज लाना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सो दैट हमारा आंसर जो चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनसे मैच कर जाए और सही आंसर पर हम पहुँच जाएँ। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ, बहुत आसान है, आप साथ साथ देखते रहेंगे आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझाऊंगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसमें एक कंडीशन दी थी माइनस टू लेस और इक्वल टू सॉरी माइनस टू लेस देन वाई लेस देन टू, तो उसका कोई इसमें आपको ज़्यादा उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो वैल्यू है माइनस टू लेस देन वाई लेस देन टू, ध्यान से सुन लीजिए, माइनस टू सॉरी
फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू, ये वाई की वैल्यू जो है ये अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी, माइनस टू और टू के बीच में है, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाला अंडर रूट के अंदर का पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? अगर आप टू से कोई बड़ी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जाम्पल थ्री ले लें या 2.1 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, 4 माइनस नाइन मीन्स माइनस फाइव, रूट के अंदर माइनस फाइव आ जाएगा। इसलिए इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पर हाँ अगर आप जेई वगैरह की एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं कि फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई शुड बी व्हाट, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो y शुड बी फ्रॉम माइनस टू 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 बिलोंग टू ओपन इंटरवल, ओपन मतलब ये माइनस टू और टू नहीं होना, अगर हो गया तो फिर ये अपॉन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर अपॉन में जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए ये माइनस टू और टू y की वैल्यू इसमें होगी, अदरवाइज आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी बातें मेरे ख्याल से क्लियर कर दी, इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट मी नो। अब ध्यान से देखिए, dy वाई बाई डी एक्स वन माइनस वाई, डी वाई की वैल्यू अपॉन में क्या आएगा, वन माइनस वाई, डी एक्स इधर चला गया, अब क्या हो गया है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, नाउ दिस साइड कैन बी इंटीग्रेटेड, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ वन माइनस वाई बेस ई, बेस ई या फिर ln लॉन वन माइनस वाई, इसका इंटीग्रल होगा x प्लस सी। एक बात और ध्यान देने लायक है कि इसमें अपॉन में कोफिशियंट ऑफ y आएगा, कोफिशियंट ऑफ y इज़ व्हाट, कोफिशियंट ऑफ y इज़ माइनस वन, इसमें कौन सा फार्मूला लगा, तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, इसमें फार्मूला लगा है दोस्तों, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रल होता है वन अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस ई, ए एक्स प्लस बी बेस ई, ए एक्स प्लस बी बेस ई, तो आपको याद रखना है इसी तरीके, तो इसमें बेस ई आएगा और y का कोफिशियंट ध्यान से देख लें, y का कोफिशियंट कौन सा है, माइनस वन। आप दूसरी बात सोच रहे होंगे कि मैं माइनस कॉमन ले लूं पहले, तो नो प्रॉब्लम, इवन माइनस कॉमन भी ले सकते हैं आप, तो भी आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अंदर वाली चीज़ मॉड के अंदर लिखी हुई है। अब ध्यान से सुनो, अब वन अपॉन माइनस वन है, विच विल बिकम वॉट, विच विल बिकम माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस वन लॉग ऑफ वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और बेस कितना इसका ई है, अगर आप इस माइनस को वहाँ भेजना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर यहीं इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो फिर आप एक ये प्रॉपर्टी याद रखना, माइनस लॉग पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन बाय पी, लॉग ऑफ वन बाय पी, माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस को आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस को आप लिख सकते हो माइनस वन लॉग पी, अब माइनस वन पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग पी टू द पावर माइनस वन, और पी टू द पावर माइनस वन को आप लिख सकेंगे लॉग ऑफ वन बाय पी। इतनी सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में आंसर भी मैच कराना पड़ता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसका मालूम हो। अब अगर माइनस आप उधर भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस वाई बेस सी इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। अब ध्यान से सुनिए, ये आप अगर लॉग हटाना चाहते हो तो ये ई टू द पावर में आ जाएगा, वन माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी। अब और भी अलग तरीका है इसको लिखने का, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी, ये एक नया कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है सी भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ के भी लिख सकते हैं, के इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ वन माइनस वाई है, कई बार लोग मॉड नहीं लिखते, सिंपली ऐसा लिख देते हैं वन माइनस वाई, तो उस केस में अगर ऐसा सिंपली लिख दिया तो y उधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो इसका सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है। इसमें हम वो सारी चर्चाएं करेंगे जो जो भी पॉसिबल होगा, केवल हम बुक पे फोकस नहीं करेंगे कि बुक में कौन सा आंसर है, बुक के आंसर तो सिंपली यू विल फाइंड, लेकिन आपको कोई टिपिकल क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे आप। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर पे हैं और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर है,
sec स्क्वायर x tan y dx, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस आपका है sec स्क्वायर y tan x dy, sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करें, इस क्वेश्चन में वही हम जो पहले करते थे, सबसे पहले dy और dx को अलग अलग तरफ रखें, अलग अलग तरफ रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। अब ध्यान से सुनिए, tan y ध्यान से देखें, ये dx है तो dx के पास x वाली सारी चीज़ें, तो इसको उधर भेज देंगे हम tan x को, और sec स्क्वायर x को यहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में tan x, और tan y को आप नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब ध्यान से देखें कि y वाली सारी चीज़ें y की तरफ हो गई, x वाली x की तरफ, नाउ वी कैन इंटीग्रेट, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें ये वाली चीज़ लगाते हो f डैश x अपॉन एफ एक्स, ध्यान से देखिएगा f डैश x अपॉन एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, बेस क्या हो जाता है उसका, log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, बेस क्या हो जाता है उसका e, अगर ऐसा हो तो आप डायरेक्ट ये लिख के भी लगा सकते हैं, वरना आप एक काम और कर सकते हैं, जो काम अगर आप चाहते हैं कि हम सिस्टमेटिकली लिखें, पूरा पूरा लिखें, तो वो भी पॉसिबल है। आप ध्यान से देखिए, tan x को आप u रख दीजिए, tan x को आप u रख दीजिए, तो ये du by dx क्या होगा आपका, du by dx होगा आपका sec स्क्वायर x, dx को आप इधर भेज दीजिए यहाँ से, और दूसरा है इसमें tan y को क्या रख दें आप, tan y को आप v रख दें, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर y, इधर हो जाएगा आपका dv by dy अपॉन में dy, तो अपॉन वाला dy आप इधर भेज दें, तो ये आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर y dy। तो sec स्क्वायर y dy को आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिएगा sec स्क्वायर y dy को आप लिख सकेंगे dv अपॉन v tan v, tan y की जगह v अपॉन माइनस इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में देखिए sec स्क्वायर x dx इज व्हाट, इट इज du अपॉन कितना है u। नाउ वी कैन राइट देयर इंटीग्रेशन, 1 बाय x का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है, वैसे ही 1 बाय u का होगा log u बेस e log v, मॉड लगाना हो मॉड भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी बुक में होपफुली मॉड नहीं लगा होगा, प्लस log c। आप कांस्टेंट का ध्यान रखेंगे, जब सब कुछ लॉग में है तो कांस्टेंट भी किस में रहेगा, लॉग में रहेगा, सब कुछ अगर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स में, तो कांस्टेंट को भी आप टेन इनवर्स में ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉग, यू का वैल्यू रख दें, यू का वैल्यू है आपके पास टेन एक्स बेस ई, इसमें देख लें, इसको आगे पीछे कर लें, लॉग सी बेस ई माइनस लॉग वी का वैल्यू रख दें, v का वैल्यू है tan y बेस e, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देंगे राइट साइड में, तो वो प्रॉपर्टी लगाने से क्या बन जाएगा, ये देखिएगा, वो प्रॉपर्टी लगाने से हो जाएगा आपका, ये हो गया log tan x बेस e इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा c अपॉन tan y, c अपॉन tan y बेस e। अब दोनों साइड के log हटा सकते हैं आप, tan x इज इक्वल टू सी अपॉन टेन वाई, दोनों का बेस ई था इसलिए मैंने लिख दिया, तो आप टेन वाई को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू सी। तो दोस्तों ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, अब लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5, और मैं आप यकीन मानिए कि हम सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चन करेंगे, और आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उन क्वेश्चंस को घर पे कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट टू मी एट माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आप कोई आगे पीछे की बातें देखना चाहते हैं अपने 12th क्लास की 11th क्लास की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड
एन नंबर ऑफ वीडियोस फ्री। और दोस्तों बस मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये मेरे जगह आपका चैनल बन जाए और आप लोग इसको चला पाएं। सो माय गुड विशेस विथ यू। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4-5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास दोस्तों, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको उधर भेज देंगे, इसको राइट साइड में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ऑल अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया है जिसमें y वाली सारी चीज़ें y की तरफ और x वाली सारी चीज़ें x की तरफ हो गई हैं। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, y होगा, इसके लिए हमको t रखना पड़ेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को t रखा तो dt टी बाई डी एक्स विल बी वॉट e टू द पावर x का e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स का होगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो ये जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन का डी एक्स यहाँ भेज दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पूरा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों y इज इक्वल टू dt अपॉन t का इंटीग्रल आपको याद होगा log t इंटीग्रल होता है इसका। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log of e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बेस e प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। चाहे तो आप log c लिख दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा c इधर लिख दिया तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे k लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों जगह c c और यहाँ log c तो ठीक नहीं रहेगा, तो log k लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ k इंटू दिस e टू द पावर x प्लस, आप चाहें तो मॉड में लिख दें, चाहें तो ब्रैकेट में लगा दें, इसमें 12th क्लास में इतना फ़र्क इसका नहीं पड़ता। इंटीग्रल कांस्टेंट इसमें आ गया log की प्रॉपर्टी से, log m प्लस log n log m इंटू n। तो फाइनली दोस्तों ये इसका आपके क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर था। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। तो दोस्तों आप देखते जा रहे हो कि कितने सरलता से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि हम कोई बहुत कठिन सा काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल जॉब व्हाट वी आर डूइंग। तो ये इसकी बात थी। लेट्स कम टू नेक्स्ट नाउ। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये और सिंपल है, डी वाई के आप अपॉन में ले लें 1 प्लस वाई स्क्वायर को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लेंगे, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दें, वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। इसका इंटीग्रल हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, इसका हो जाएगा 1 का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन नंबर था 6। एंड नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7।